भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की शुरुआत हो चुकी है। जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। किसी भारतीय विदेश मंत्री का लगभग 9 साल के बाद ये पाकिस्तान दौरा लगा है और इस दौरे का वक्त और जज्बा दोनों ही गर्मा गर्मी भरा है। क्या SCO सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसा होगा जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नया मोड़ लेकर आएगा? क्या एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत है? क्या इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के बीच जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद की जा सकती है, या ये दौरा इस बार भी सिर्फ एक औपचारिकता भरा ही बनकर रह जाएगा? बहरहाल, इन तमाम उलझे हुए सवालों के बीच एस जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लामाबाद के नूर खान हवाई अड्डे पर कदम रखा। उनका स्वागत पाकिस्तान के अधिकारियों ने किया और फिर शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक खास रात्रि भोज का आयोजन किया था, जहां SCO सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए। जयशंकर और शहबाज शरीफ ने एक दूसरे से गर्म जोशी से हाथ मिलाया, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ एक छोटी सी ही गुफ्तगू हुई। अब इस दो दिवसीय SCO सम्मेलन में जयशंकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले हैं। ये SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की बैठक होगी, जो हर साल होती है और जिसमें व्यापार और आर्थिक एजेंडा पर चर्चा होती है। वैसे तो भारत सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि इस दौरे का मकसद केवल और केवल SCO सम्मेलन में भाग लेना है और भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्तालाप का कोई प्लान नहीं है। पर फिर भी जैसे जैसे SCO की ये बैठक आगे बढ़ रही है, लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद जयशंकर के यहाँ आने से कुछ चमत्कार हो जाएगा। ये भी याद दिलाते चलें कि साल 2015 में आखिरी बार विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जब जयशंकर उनके साथ विदेश सचिव थे। उस वक्त भी कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। अब इस मौजूदा दौरे का वक्त और जगह काफी नाजुक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज भी काफी तनाव भरे हैं। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद को सपोर्ट करने का आरोप लगाता है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की पाकिस्तान की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो देखा जाए तो जयशंकर का पाकिस्तान पहुंचना एक डिप्लोमेटिक मजबूरी कही जा सकती है, लेकिन इस बैठक से भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे या नहीं, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल और जल्दबाजी भरा होगा।